हेलो, राम राम जी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। और स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। और अभी हम बना रहे हैं चाय, यहाँ पे चाय बन रही है। और ईशु के 2 दिनों के, इसका तबीयत ठीक नहीं, इसको वॉमिटिंग हो रही है कंटिन्यू। और इसके पापा गए हैं बाहर अराउंड 15-16 डेज के लिए, उनका गेम के लिए गए हैं वो। और छोटा वाला मेरा बेटा, वो भी चला गया, वो अपनी नानी के घर रुकेगा उतने दिन। इनके स्कूल की छुट्टियां हैं 9 तारीख तक, तो उसके बाद वो आएगा, तब तक रिश हो जाएगा। 10 से स्टार्ट है इनके स्कूल। और अभी तक मैंने काम कर लिया है, झाड़ू लगा ली मैंने, किचन का भी सफाई करके पोछा लगा दिया, थोड़े जो बर्तन थे वो साफ कर दिए थे। और हम दोनों नहा लिए, पूजा कर ली हमने, अभी इसको खिला पिलाऊंगी। और उसके बाद ये पार्क जाएगा, देखती हूँ मैं भी जाऊंगी क्या, फिर पोछा लगाऊंगी, खाना बनाऊंगी दोपहर का, उसके बाद सामान सेट करेंगे, क्योंकि सामान हमारा सेट नहीं हुआ, क्योंकि हमने घर शिफ्ट किया है तो काफी ज्यादा सामान सेट हुआ नहीं। और मैं आपको प्लांट्स की भी अपडेट दे देती हूँ, क्योंकि हेलो भी सेट नहीं हुआ, यहाँ बहुत बारिश हो रही है, तो मैंने जितने प्लांट्स मुझसे अंदर रखे गए मैंने रख दिए हैं। ये देखिए, ये वाला मनी प्लांट मैंने यहाँ रख दिया, ये एक यहाँ पड़ा था आइटम, तो इसके ऊपर मैंने इसका स्टैंड बना दिया। ये देखिए, इस पे बारिश की ये बूंदें, ये देखिए ओस की बूंदें आपको दिख रही होंगी, ये देखिए। और कुछ प्लांट मैंने अपने यहाँ रख दिए हैं, क्योंकि इन प्लांट्स को बारिश से बचाना बहुत ज़रूरी था। ये देखिए, उसके स्टैंड के नीचे भी रख रखे हैं मैंने 4 प्लांट, वो दिख रहे होंगे, वो उनको ज़मीन पर रखा हुआ है, ये यहाँ रख दिए हैं मैंने। और एक ये मनी प्लांट मैंने यहाँ रख दिया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सेस में पानी जा रहा था उसमें। और ये कुछ प्लांट मैंने यहाँ रख दिए, ये देखिए, ताकि मैं इनको बचा पाऊँ बारिश से। ये वाला प्लांट मेरा काफ़ी ख़राब हो गया है एक्सेस पानी डलने से। और सामान ये देखिए जी, इनको मुझे सेट करना अकेले ही। और ये बरामदे में पानी गिरता ही रहता है रात को बारिश आती तब, और आज धूप निकली है तो शायद। ये देखिए, कुछ मैं वो अंदर वाले प्लांट बाहर नहीं लाऊंगी जब तक कंटिन्यू 2-3 दिन धूप नहीं निकलेगी, तो मैं उसके बाद इनको लाऊंगी, तब तक मैं इनको भी अंदर रखने का सोच रही हूँ। और ये देखिए, कुछ प्लांट मैंने यहाँ, ये वाले प्लांट, तो ये देखिए, इनको आज शायद दिन भर की धूप मिल जाए। और ये मिर्ची का पौधा मैं लाई थी नर्सरी से, तो इसमें एक्सेस पानी से कंटिन्यू बारिश की वजह से ये देखिए इधर वाला डेड हो रहा है प्लांट, देखते हैं ये बचेगा कि नहीं। और नर्सरी से मैं ये लाई थी शिमला मिर्च का और ये चेरी टमाटर्स का, पर इसका पानी नहीं सूख रहा, कंटिन्यू बारिश से हो रही है यहाँ पे, तो ये सूख ही नहीं रहा, पानी तो ख़राब होने को हो रखे हैं ये। और ये देखिए जी, मैंने सब्जियों के बीज भी लगा दिए थे, अराउंड इसको 4 डेज हो गए हैं। तो सबसे पहले मेरा ये वाला निकला था, ये जो आपने देखे होंगे फ्रूट की शॉप पे, ये देखिए इनमें निकल गया। फ्रूट की शॉप पे जो होता है ना, येलो कलर का एक होता है जो सांभर वगैरह में भी डालते हैं, वैसे भी खाते, खट्टा मीठा टेस्ट होता है उसका, वो वाले इसमें लगा दिए मैंने। और इसमें मैंने लगाया है घिया, तो अभी तक मुझे इसमें एक भी प्लांट नहीं दिख रहा है। और इसमें लगाया मैंने मिर्ची का, तो मिर्ची का ये देखिए छोटा सा एक निकला है। और ये टमाटर लगाए मैंने, उसका भी वो छोटा सा एक निकला है टमाटर का, वो देखिए छोटा सा एक, नहीं इसमें मिर्ची नहीं है, सॉरी इसमें पम्पकिन है, तो पम्पकिन का निकला इसमें। और इसमें मिर्ची का भी नहीं निकला अभी तक, मुझे तो एक भी नहीं दिख रहा इसमें। और ये खीरा, खीरा का मुझे एक छोटा सा दिख रहा है, वो देखिए यहाँ ये निकल गया है। ये उस दिन का क्लिप है जिस दिन जोरा अपनी नानी के पास गया था, वैसे जोरा हम इसको प्यार से बोलते, इसका नाम दिव्यांश है, तो 28 को गया था ये, उस दिन के सुबह का स्कूल का इसका। और ये शाम को पूरा दिन का हमारा, मैंने आपको बताया कि हमने क्या क्या किया, शाम को ऋषि पार्क में खेलने आया था, तो मैं इसको लेने आई थी घर पे, तो मैं देख रही थी कि ये पार्क में क्या एक्टिविटी करता है, क्योंकि एकदम से इसको आवाज दो तो ये भाग के आ जाता है, पर मैं देखना चाहती थी कि ये क्या एक्टिविटी करता है। तो मैंने इसकी एक चीज़ नोटिस की है ना, छोटे बच्चों के साथ कम खेलता है और जो बड़े लड़के हैं ना उनके साथ खेलता है। सिर्फ क्यों खेलता है, क्योंकि वो ज़्यादा एक्टिविटी वाले, ज़्यादा फोर्स वाले गेम खेलते हैं, जैसे फुटबॉल बास्केटबॉल खेलते हैं वो बच्चे, तो उनके साथ ज़्यादा खेलता है ये,
इसको यही वाले गेम अच्छे लगते हैं। और अब ये देखिए मैंने इसको आवाज दी तो कैसे चलते हुए